ऐसा कैसे हो सकता है? सर वो बहुत अच्छी लड़की है, उसने हमारी जान बचाई थी। तब क्या हो गया उसे कि यहाँ वो कभी अच्छी थी नहीं? क्योंकि सनम तुम्हें याद है, मुझे शुरू से लगता था कि तुम्हारी सौतन होने के बावजूद वो तुमसे इतनी अच्छी तरह से क्यों रहती है। हमें पहले समझ जाना चाहिए था कि तनवीर के साथ रहने वाली कोई लड़की या कोई भी अच्छा हो ही नहीं सकता। तुम्हें अम्मी की चालों का अंदाजा नहीं है, वो किसी के भी दिल को अपने कब्जे में करके उनकी सोच बदल सकता है। अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। अगर वो पूरी जिंदगी अपने बेटे को नौकर बनाकर रख सकती है तो नई सनम को बहकाना तो उनके बाएं हाथ का खेल है। हाँ ठीक, नई सनम को बहकाना किसी के लिए भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आहिल, अरे कोई भी देख के बोल सकता है कि उनके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सनम है। आहिल ऐसी हरकत कैसे कर सकते रहे? इसका जवाब तो आहिल ही दे सकते। हमारी मोहब्बत इतनी कच्ची नहीं है कि किसी के सामने भी घुटने टेकते। कुछ तो ऐसी बात है जो हम नहीं जानते, उसी बात का पता लगाना है हमें। सनम से प्यार करता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही? What the hell were you doing here? हाँ, मैं मुझे गुड मॉर्निंग भी नहीं कहेंगे आप? मुझे लगता है कि कल रात हमारे बीच जो हुआ उससे आप परेशान बिल्कुल नहीं हैं। मैं जानती हूं कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन कल रात जब आप खुद मेरे करीब आए तो मैं आपको रोक नहीं सकी और ना ही अपने आप को। आप शर्ट पहन लीजिए, मैं दरवाजा खोलती। आहिल बेटा, आहिल बेटा, हम आज बहुत खुश हैं। जानते हो, जब हमने नई सनम के साथ तुम्हारा निकाह कराया था तो हम बहुत डर रहे थे कि कहीं हमने कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी, लेकिन आज तुमने इसे अपनी बीवी का दर्जा देके हमें बहुत खुश कर दिया। आज हम बहुत खुश हैं आहिल बेटा, तुमने हमारे दिल की मुराद पूरी कर दी। मैं वो गाड़ी देख कर आता, हमें दरगाह भी जाना। हाँ आहिल, अब तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ फटाफट तैयार हो जाओ।
मैं दरगाह नहीं जा सकती। क्यों, क्या हुआ? बस वहां जाना जरूरी नहीं है, और वैसे भी आप जो चाहती थी वो तो हो गया ना, फिर वहां जाने की क्या जरूरत है? तुम तो पागल तो नहीं हो गई हो? आहिल को हम पर शक हो जाएगा, हमें दरगाह जाना ही होगा। तुम फटाफट रेडी हो जाओ, जाओ। अम्मी, अब ठीक तो है? शायद हमें मौज आ गई है। या अल्लाह, अब हम दरगाह कैसे जाएंगे? हम दरगाह नहीं जाएंगे। अम्मी, डोंट वरी, आपका ठीक होना बहुत जरूरी है। अम्मी अब आ भाई, अम्मी आइए, संभल कर अम्मी, संभल कर। हमारे बीच वही हुआ है जो एक शौहर और एक बीवी के बीच में होना चाहिए। आहिल जी खुद मेरे पास आए थे, अभी देखिए संभल कर। बस आहिल, आहिल मुझे आपसे बात करनी। सनम अभी नहीं, अम्मी की तबीयत खराब। आहिल मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी बात करना। सनम, अम्मी को चोट लगी है। आहिल मेरा आपसे बात करना। सनम, not now। आहिल आप एक बार सुनेंगे, बहुत जरूरी। Stop it, सनम। देख नहीं रही हो, अम्मी को चोट लगी तो मैं अपने बात की पड़ी। चलिए अम्मी, आराम से अम्मी। देखो मैंने सुना था कि अकलमंद को सिर्फ इशारा काफी होता है। मेरी इतना समझाने के बाद भी तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई। आहिल जी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते, तो बेहतर होगा कि तुम उन्हें परेशान ना करो, समझी? आप बैठे हैं, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। अम्मी पानी। आहिल बेटा, हम नहीं चाहते कि कोई हमें डिस्टर्ब करे, हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। तुम प्लीज दरवाजा बंद कर दो। अभी कर देता हूं। देखा नहीं तुमने, जब से ये लोग दरगाह से आए हैं तब से इनके देवर ही बदले हुए हैं। हाँ, कल तक जो आहिल सनम को दरगाह ले जाने के लिए मन्नत मांगता था, हाँ, आज वो उसका थोबड़ा भी नहीं देखा है, आई मीन चेहरा। हाँ, अरे वो छोड़ो, उन्हीं सनम को तो देखो, कल तक कैसे बीगी बिल्ली की तरह करती थी, और आज कैसे शेरनी की तरह दहाड़ रही है। जो भी हो, लेकिन एक बात तो पक्की है, सब कुछ बदल रहा है। चेंजिंग चेंजिंग, ये जो नई सनम है ना,
उसके नए रंग ढंग से इस घर में नई हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। लेकिन जो भी हो, we have to see. देखते रहो कब क्या होता है। मैंने आज तक आही की नजरों में अपने लिए इतनी नफरत नहीं देखी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो कभी मेरे थे ही नहीं। मैं मानती हूँ कि लोग कहते हैं कि पलक झपकते दुनिया बदल जाती, लेकिन किसी के दिल में से नफरत जाते जाते वक्त तो लगता ही। तो समझ में नहीं आ रहा एक ही रात में मैं उनके लिए इतनी बेगानी इतनी बेगैरत कैसे हूँ। सरम, मैं समझती हूँ कि इस वक्त उन पे क्या बीत रही है, लेकिन ये वक्त इस तरह टूट के बिखरने का नहीं है। हिम्मत नहीं हारनी है हम, क्योंकि अगर हम हिम्मत हार गए ना तो तनवीर बिना कुछ किए जीत जाएगी। आज शाम को आहिल भाई ने नवाब साहब की बरसी में कुछ लोगों को बुलाया, देखा जाए तो काफी लोग आने वाले हैं। क्यों ना हम आज शाम को ही बेगम साहिबा को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दें। ये जोड़ा तो याद है ना तुम्हें हया? ये वही जोड़ा है जो तुमने हमारे निकाह वाले दिन पहना था। हया, मैं चाहता हूं कि तुम ये जोड़ा फिर से पहनो और कल सुबह इसे पहनकर वहां आओ जहां मैं चाहता हूं। ये जो तुम कर रहे हो ना, इससे तुम अपने दिल को झूठी तसल्ली दे सकते हो, लेकिन ये तुम भी जानते हो कि ये गैर कानूनी है। मैं सिर्फ और सिर्फ राहत की बीवी हूँ और मरते दम तक राहत की बीवी ही रहूंगी। तुम जो कर रहे तुम कर लो, लेकिन तुम मेरे शौहर कभी नहीं बन सकते। तुम जानती हो इस जोड़े का रंग सिलेक्ट करने मुझे कितना वक्त लगा था? पूरा एक महीना। फिर कहीं जाकर मुझे ये जोड़ा पसंद आया। ये रंग तुम पर आज भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो बेहतर है कि इसे पहनकर कल आ जाना, वरना तुम मेरा काम और आसान कर दोगी, क्योंकि एक बेवा से निकाह करना नेक काम होता है। और बेवा से निकाह करने के लिए तलाक की जरूरत नहीं पड़ती। तो कल ये जोड़ा पहनकर आ जाना, और हाँ अकेले ही आना, वरना अंजाम तो तुम अच्छे से जानती हो ना। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारा वहां इंतजार करेगी। गजाला, वो तस्वीर कहाँ गई? असद और जोया की तस्वीर कहाँ गई जो हमने अलमारी में रखी थी? कहाँ है? क्या पता? वही तो पूछ रहे हैं, कहाँ है? अरे अरे सुन, अरे सनम सुन, अरे कहाँ गई मुई कपकत मारी? चलो बेगम साहिबा, वो तस्वीर तो उस चोरटी सनम ने चुराया है। बताइए वो सनम नहीं, वो शहर नहीं, वो सनम वो बेगम साहिबा, उसे मुझे बेवकूफ बना दिया। वो कल मुझसे आके पूछ रही है कि बताओ सनम कौन हो, सनम हो या शहर, और अगर तुमने सही बताया तो मैं तुम्हारे लिए डबल चीज पिज्जा बना के खिलाऊंगी। झूठी।
बेगम साहिबा, वो कुछ चुरा कर भाग रही थी। वो एकदम ऐसे जल्दी जल्दी में निकल गई थी। उसी ने चुराई है तस्वीर बेगम साहिबा, उसी ने चुराई है। गजाला, ये सब कितने बजे हुआ? वो करीब 3 बजे। आहिला, आप जानते हैं अब आपसे कोई भी बात छुपी हुई नहीं रहेगी। अब आपको सच्चाई का पता चल जाएगा, क्योंकि क्योंकि आहिल मुझे सबूत मिल गया है। बेवकूफ, इतना भी समझ में नहीं आता है कि वो यहाँ तस्वीर चुराने के लिए नहीं आई, समझ गए? हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए आई थी वो यहाँ। क्या वो सीआईडी है? रज़ाक! वो अखबार का टुकड़ा आहिल के हाथ लग गया ना, तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हमारा इतना पुराना ख्वाब टूट जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सुना तुम लोगों ने, सब खत्म हो जाएगा। क्या भाईजान, जरा होश में आइए। अरे कल आपके छोटे भाई का निकाह है और आप ऐसे मायूस बैठे हैं। गलत बात। भाईजान जरा चुस्ती दिखाइए। आपको पता है मैं आज आपको अपनी बीवी हया से मिलाने ले जा रहा हूं। अब क्या है ना, आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे भाईजान हैं। अब आपकी रजामंदी के बिना मेरा हया से निकाह नहीं हो सकता और ना ही हया मेरी हो सकती है। मर जाऊंगा लेकिन हया के साथ तुझे निकाह नहीं करने दूंगा। सनम, आहिल बाबा ने ना दोपहर के खाने पे कुछ यतीम बच्चों को बुलाया है, तो देख लो तुम्हें जो भी खाना बनाना हो तो उसकी लिस्ट दे दो, तो उसका सामान मैं बाजार से ले आऊंगी। हाय, आजकल तो घर का और सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अल्लाह, मैं तो हुई छुई मुई। कोई बात, हो जाता है कभी कभी। इस घर में नौकरों का हुक्म नहीं चलता और ना ही नौकरों की पसंद से खाना बनता है। आगे से कुछ भी पूछना हो तो इस घर की असली मालकिन और आहिल जी की असली बीवी से पूछना। किससे? मुझसे। फिलहाल ये लिस्ट लो और जाके सामान ले। अब जाओ भी। जी। तुम यहाँ क्या कर रही? जाओ जाके खाने की मेज साफ करो। जाओ। बात है, बड़ी जल्दी तूने रंग बदल लिया। अरे इतनी स्पीड तो गिरगिट की भी नहीं होती। वैसे एक बात बता, तू क्यों इतनी हवा में उड़ रही है? आहिल ने तेरे साथ एक रात बिता ली इसलिए, शायद तू उसे जानती है। सनम के साथ निकाह से पहले उसकी हर रात एक नई लड़की के साथ गुजरती, लेकिन तुझे पता है उसके कमरे के बेड तक आज तक कोई लड़की नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उस पे सिर्फ उसकी बीवी का हक है। और वो कौन है? मेरी बहन सना।
वैसे भी तेरे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है जिससे तेरी दुनिया यू टर्न ले लेगी। जो तूने ये पासा फेंका है ना वो बदल जाएगा।